इंडिया और नेपाल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जहां यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक परफॉर्मेंस कर लिया है, दोस्तों जहां टीम इंडिया ने सबसे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, टीम इंडिया की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक परफॉर्मेंस किया। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने ज्यादा रन नहीं पारे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का तूफान आ गया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने नेपाल के खिलाफ 150 रन में सेंचुरी मारी है, उसके बाद सेंचुरी मारकर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ये 150 रन में सेंचुरी मारी है। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 8 छक्कों और 7 चौकों की मदद से खतरनाक और लाजवाब तूफानी पारी खेली है। यशस्वी जायसवाल की तमाम दिग्गज तारीफ कर रहे हैं, सभी सोशल मीडिया में यशस्वी जायसवाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल खतरनाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इससे पहले कई सीरीजों में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने भी घातक बचाया था, उसी के साथ साथ आयरलैंड के खिलाफ भी यशस्वी जायसवाल खतरनाक परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में यशस्वी जायसवाल नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल को वर्ल्ड कप 2023 में शामिल करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 100 रन की पारी सेंचुरी बना दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।